माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन्स ऑफ आवर रीडर बुक फ्लेमिंगो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम एंड आवर फर्स्ट पोएम इज माई मदर एट 66। आई होप यू विल एंजॉय द पोएम हार्डली एंड लर्न इट ऑल्सो हार्डली। Let us start. My mother at 66. मेरी माँ 66 की उम्र में, मतलब मेरी माता की उम्र 66 साल है। About the poet, तो अब poet के बारे में, really she is poetess, कवित्री है ये, कमला दास, 1934, was born in मालाबार, मालाबार केरला के अंदर 1934 में पैदा हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोर मोस्ट पोएट्स, और उनको भारत के अग्रणी कवियों में से एक के रूप में पहचान प्राप्त है। रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाता है, जाना जाता है। हर वर्क्स, उसके कार्य आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनके कार्य का मतलब उन्होंने जो लिखा है तो उसको जाना जाता है या माना जाता है फॉर देयर ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी मौलिकता, वर्सेटिलिटी परिवर्तनशीलता, एंड द इंडिजीनस फ्लेवर और स्वदेशी घरेलू स्वाद महक गंध ऑफ सोयल, धरती की, अपनी धरती की गंध के लिए, परिवर्तनशीलता के लिए और मौलिकता के लिए उसके काम को समझ लो, उसने जो कुछ लिखा है उसको जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं और उपन्यास प्रकाशित किए हैं, पब्लिश्ड प्रकाशित किए हैं, एंड मलयालम, और मलयालम में भी अंडर द नेम ऑफ माधवकुट्टी, माधवकुट्टी के नाम से इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारी लघु कथाएं और उपन्यास प्रकाशित किए हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड, इंग्लिश में उनके कुछ जितने कार्य हैं उनमें शामिल हैं, इंक्लूड माने शामिल हैं, द नावल, उपन्यास, अल्फाबेट ऑफ लेस, लस्ट, लस्ट वासना, तीव्र कामना की वर्णमाला, या कह सकते हैं हम वासना की ABCD, जो कि उन्होंने 1977 में लिखा था। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हरलॉट एंड अदर स्टोरीज, और एक लघु कथाओं का संग्रह, छोटी कहानियां हैं उस बुक में, वो संग्रह है जिसका नाम है, बुक का नाम है पद्मावती द हरलट, हरलट होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, एंड अदर स्टोरीज और अन्य कहानियां, 1992, जो कि उन्होंने 1992 में प्रकाशित किया। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इन 5 कविता की पुस्तकों के अलावा, इन एडिशन के अतिरिक्त, शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो एक बहुत ही संवेदनशील, महसूस करने वाली जो है लेखिका है, लेखक असल में महसूस करने वाला होता है, अदरवाइज हम किसी की बात को लिख ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो शी इज सेंसिटिव राइटर, बहुत ही संवेदनशील लेखिका है, बट हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सब टाइटल्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव संबंधों की जटिलताओं को पकड़ लेती हैं, समझ लेती हैं इन लिरिकल एडियम, बड़े गीतिक मुहावरों के, मुहावरों में, गीतिक मुहावरे मतलब लयदार मुहावरों में। My mother at 66 is an example, और ये जो poem है My mother at 66, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। Before you read, पढ़ने से पहले, aging is a natural process, बुढ़ापा, aging माने बूढ़ा होना, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है, what our elderly parents कि हमारे बूढ़े माता पिता एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम,
अपने माता पिता के घर से वापस जाते हुए ड्राइविंग गाड़ी चला कर ले जाते हुए टू कोचीन, कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे पिछले बुधवार सॉरी शुक्रवार को मॉर्निंग सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के या मतलब पेरेंटल हाउस से घर से जो है गाड़ी चलाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बराबर में बैठे देखा, मतलब बराबर में बैठी हुई थी और मैंने उसको तब देखा। डोज ऊँगते हुए ओपन माउथ्ड, मुंह खुला हुआ, हर फेस एसन, उसके चेहरा राख जैसा, ऐसे माने राख होती है, वर्ब बना रखी एसन जैसे राख हो, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मुर्दा, डेड बॉडी, जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो, ऐसी ऐसा चेहरा मतलब ऐसी राख सी छाई हुई थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने बड़े दर्द से ये एहसास हुआ, ये महसूस किया, दैट शी थॉट अवे, कि वो सोचती है, एंड लुकड देखती है, बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उसी विचार को दूर फेंक देती है, दूर रख देती है, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, और नए नए छोटे पेड़ों को देखने लगती है, स्प्रिंटिंग, जो कि बड़ी तेज गति से भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग थोड़ी दूरी के लिए तेजी से दौड़ लगाना, जैसे हम 100 की रेस लगाते हैं ना, उस तरह से 100 मीटर की। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और खुश चित्त प्रसन्न चित्त बच्चों को, स्पीलिंग होता है खिंडना, बाहर निकलना, गिरना, आके न तो कहेंगे हम बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, प्रसन्न चित्त बच्चों को अपने घरों से भागते हुए निकलते हुए देखना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक जहाँ पर चेकिंग होती है अंदर जाने वालों की, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़ा होते हुए, अवे कुछ दूरी पर खड़ा होते हुए, आई लुकड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर उसकी ओर, वैन पीला मुरझाया हुआ, थका हुआ, पेल चेहरा, वैन पीला चेहरा था, पेल भी पीला था, बीमार आदमी का जो चेहरा हो जाता है पीला खून की कमी के कारण, उसको पेल बोलते हैं, तो पीला चेहरा मुरझाया हुआ थका हुआ। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दी का मतलब देर से आई सर्दी का, या कह लो सर्दी के आखिर का जो चंद्रमा होता है। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट की ओल्ड, वही पुराना, दैट ओल्ड फैमिलियर, एक वही जाना पहचाना, फैमिलियर परिचित दर्द, और मैंने फिर वही जाना पहचाना परिचित दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बचपन का डर, बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है और उसको डर रहता है कि माँ कहीं खो न जाए, माँ कहीं मर न जाए, तो वही डर जो है। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, दर्द अंदर ही महसूस किया लेकिन जुबान से जो कुछ कहा वो ये था, सी यू सून, जल्दी ही आपसे मिलूंगी अम्मा, अम्मा जल्दी ही आपसे मिलूंगी, दोबारा जल्दी ही आऊंगी। एंड आई डिड वाज, और जो मैंने किया, ये तो जुबान से बोला है, और जो मैंने किया वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उसकी ओर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही विदा होते हुए। तो ये था बेटा पोएम। खास बात ये थी कि कहीं फुल स्टॉप नहीं आया इसमें, कोमा कोमा आए हैं, और जो है ना स्पेशल चीज़ है ये इसके पोएम की। तो ये एक मीनिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस, छोटी, मैंने बताया जैसे 100 मीटर में करते हैं, छोटी सी जो है ना तेज दौड़, रनिंग दौड़ते हुए, वैन कलरलेस, बदरंग मतलब बिना किसी रंग का। तो ये नीचे क्वेश्चंस हैं, अब इनको करेंगे, क्वेश्चंस आप इस यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आंसर जो है ना साथ में दिया वो हम और ये तैयार कर रखे हैं। माई मदर एट 66, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक, वो दर्द और दोनों ही कारण मतलब दर्द होता है, दर्द और दुख का प्रकार कैसा है, कौन सा है, दैट द पोएट फील्स, जो कविता लिखने वाली जो लेखक है, कवि है, वो महसूस करती है। द पोएट सीज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक,
कवि देखती कवित्री देखती है कि उसकी माता जो है पीली पड़ गई है और बहुत कमज़ोर हो गई है। शी लुक्स एज पेल एज डेथ, और वो ये ऐसी पीली दिखाई देती है मानो मृत्यु, मृत्यु के समय आदमी का चेहरा होता है वैसी। शी फील्स दैट, और वो ये महसूस करती है हर मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माता अब और ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाली नहीं है। दिस, आगे मैंने डैश लगा रखे हैं तो यहाँ से वापस क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, यही वो दर्द है जो कवित्री महसूस करती है। सेकेंड, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए क्यों वर्णन किया गया है, छोटे छोटे पेड़ों का दौड़ते हुए क्यों दिखाए गए हैं कहा गया है। द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, कवित्री जो है ड्राइविंग है, हाँ कवित्री जो है ना गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट पर जा रही है। शी फाइंड्स द ट्रीज कमिंग फास्ट टुवर्ड्स हर, और वो पाती है और देखती है कि पेड़ दौड़कर उसकी ओर आ रहे हैं। इन फैक्ट इट इज द कार, और वास्तव में ये कार है दैट इज रनिंग, जो कि दौड़ रही है, नॉट द ट्रीज, पेड़ नहीं। पेड़ अपनी जगह पर हैं, गाड़ी दौड़ रही है, और हमें लगता क्या है कि जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं। थर्ड, वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रंस फीलिंग, और ये जो बिंब है, इमेज को क्या बोलते हैं, बिंब, और क्यों जो है बच्चे दौड़ते हुए, खुश दौड़ते हुए बच्चों को का बिंब जो है ना यहाँ पर लाया गया है कविता के अंदर। तो देखिए, द इमेज ब्रिंग आउट डिफरेंस कंट्रास्ट, ये जो बिंब है ये दिखाता है अंतर, दोनों का मीनिंग अंतर है, डिफरेंस भी कंट्रास्ट भी, अंतर करता है ये, किस चीज़ का अंतर करता है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, बचपन और बुढ़ापे का। चाइल्डहुड इज पीरियड ऑफ केयर फ्री हैप्पीनेस, और बचपन जो है वो लापरवाह खुशी भरा जीवन होता है, समय होता है। एंड द ओल्ड एज इज पीरियड ऑफ डेथ लाइक सैडनेस, और सैडनेस और जो है ना बुढ़ापा मृत्यु जैसा उदासी भरा समय होता है। फर्स्ट बिगिंस द जर्नी, पहले से यात्रा शुरू होती है। एंड द सेकेंड एंड जिट, और दूसरा इसको समाप्त करता है, बचपन से जीवन की यात्रा शुरू होती है और बुढ़ापा इसको समाप्त करता है। इस तरह से बिंब को लिया गया है, दिखाया गया है। फोर्थ, वाई हैज द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, माँ की चेहरे की तुलना या माँ की तुलना देर से या सर्दी के आखिर के चंद्रमा से क्यों की गई है। ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, बुढ़ापा मनुष्य के जीवन का आखिरी हिस्सा है, आखिरी दौर है। जस्ट एज विंटर इज लास्ट फेज ऑफ ए ईयर, ठीक वैसे ही जैसे सर्दी एक वर्ष का अंतिम दौर या अंतिम समय होता है। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में द मैन लुक्स पेल लाइक डेथ, और बुढ़ापे में आदमी मृत्यु जैसा पीला दिखता है। जस्ट एज मून इन वाइट, सॉरी इन विंटर लुक्स पेल वाइट, ठीक वैसे ही जैसे सर्दी में चंद्रमा पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक वैसे ही बुढ़ापे में आदमी दिखाई देता है मृत्यु जैसा पीला। फिफ्थ, वट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, सिग्निफाई महत्व क्या है। जत पार्टिंग वर्ड्स, विदा होते हुए कहे गए शब्द, और जो है ना उसकी जो मुस्कुराहट थी उसका क्या महत्व है। सी यू अगेन अम्मा, ये तो वर्ड्स हैं, सेड द पोएट, कवित्री ने कहे, स्माइलिंग कंटिन्यूसली, लगातार मुस्कुराते। और बेटा इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, बोल के नहीं तो मरेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, रोन लग जा तो बूढ़ी माँ का जो है ना मूड खराब करने वाली बात थी,
तो जो हम कर सकते हैं वो यही था, उम्मीद की आशा की बातें करनी चाहिए हमें। तो क्या था कि फिर मिलेंगे अम्मा, और मुस्कुराती रही लगातार। द पोएट नोज दैट, कवित्री जानती है कि हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माता अब ज़्यादा लंबे तक समय नहीं जीने वाली है या नहीं जीने जा रही है। सिक्स्थ, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं दैट कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक, कि कमला दास की माता मतलब कवित्री है जो कमला दास हमारी, तो उसकी जो माता है वो बूढ़ी है और कमजोर है, कैसे जानती है। हर मदर लुक्ड एज पेल एज डेथ, उनकी माता ऐसे दिखती हैं ऐसी पीली दिखती हैं जैसे मृत्यु, मतलब मृत्यु पर मनुष्य का चेहरा होता वैसा वैसा दिखता। शी वॉज डोजिंग, ऊंग रही थी, एंड हर माउथ वॉज ओपन, और उसका जो है ना मुंह खुला हुआ था। दिस शोज, ये दिखाता है दैट शी वॉज ओल्ड एंड वीक, कि वो बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। सेवंथ एंड लास्ट, नेम द पोएम एंड द पोएट, कवि और कविता का नाम बताना हमने। द पोएम इज माई मदर एट 66 बाई कमला दास, कमला दास द्वारा लिखित कविता जो है ना मेरी माँ 66 की उम्र में है, कविता का नाम। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएटस इज कमला दास। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही लिखना, साफ सुथरा कापी में लिख के इनको याद रखना है, इस पोएम को पूरी को ही कंप्लीट कर देना है। थैंक यू।